हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा करौंदा का अचार। करौंदा आप लोगों को बहुत जगह मिलता होगा, बहुत से जगह पर नहीं भी मिलता होगा। आज हम बनाएंगे करौंदा का अचार। दिल्ली में ना आसानी से मिल जाता है ये सब चीज़ें, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप सोच रहे हम कि करौंदा का अचार बना रहे हैं, तो यहाँ पे जाऊंगी नर्सरी में, अब पूछूंगी, पता करूंगी, उसके बाद उसका पौधा ले जाके गांव में लगाऊंगी। हम भी कम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 250 ग्राम करौंदा लेके आए हैं। कितना क्लेल बने जी? 30 रुपया। 30 रुपया का 250 ग्राम मिला है, बताइए महंगाई है। करौंदा को धो लिए अच्छे से, इसके बाद उसका पानी झर गया है। अब क्या करेंगे, इसका जो बीज है वो चाकू से आसानी से निकल जाता है, देख रहे हैं कितना बढ़िया निकल गया। तो इसी तरीके से हमें सारा बीज को निकाल लेना है। ये देखिए, वैसे बीज रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कड़वा लगता है। ठीक है, तो सारा को हम निकाल लेते हैं। जितना भी हमारा 250 ग्राम करौंदा है, इसका अचार चटनी बहुत अच्छा बनता है। एक हमारी दोस्त रिक्वेस्ट की है कि अनिता जी आप करौंदा का अचार बनाइए, आपके चैनल पर इतने सारे अचार हैं, एक ये भी अचार बना के दिखाइए। तो मैं उन्हीं के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। ये बैर के जैसा दिखता है ना जी, गुलाबी बैर, बड़ा खूबसूरत दिखता है। ये देख रहे हैं बीज इसका निकाल लेंगे। ये क्या करेंगे जी? भाई चटनी ही बनाकर बता दें कि बहुत ज्यादा खट्टा होगा जानू, तो मिर्चा ज्यादा चाहिए, लहसुन डाल दो चाहे अदरक डाल दो, चटनी भी बता दूं। चटनी आप बताइएगा, मैं नहीं बताने वाली, मैं अचार बना रही हूँ खाली। तो दोस्तों देख रहे हैं एक ही वीडियो में बोल रहे हैं कि चटनी भी बता दो, और बोला चटनी आप बताइएगा हमारे दोस्तों को। सारा बीज निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कितने में ना डंठल होता है छोटा सा, इसको इस तरीके से हटा दें, नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से पति जी को लगा लें, क्योंकि ये बारीक काम है। संडे वाले दिन करौंदा का अचार बनाए, छुट्टी रहेगा। तो देखिए करौंदा को हम बढ़िया से इसका बीज निकाल लिए हैं, ये बहुत खट्टा होता है। ठीक है, आप खाली का भी बना सकते हैं अचार, उसमें मतलब थोड़ा खट्टापन ज़्यादा रहता है। इसमें हम बैलेंस करने के लिए डाल रहे हैं मिर्ची और अदरक। तो जितना भी आपको पसंद हो मिर्ची अदरक लें, तो मैं थोड़ा ही ली हूँ। इस तरीके से बीच में कट लगा देंगे, और मिर्ची अच्छा से करौंदा के साथ बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। ये देखिए, आप दो भाग भी कर सकते हैं इस तरीके से खुला खुला दो भाग भी कर सकते हैं, या साबुत भी रख सकते हैं, जैसा आपका। इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइस में हम 2 इंच का अदरक भी काट लिए हैं। ये हमारा करौंदा का अचार को बैलेंस करेगा, मतलब ज़्यादा खट्टापन नहीं लगने। तो गैस जला के एक हम तड़का पैन रख रहे हैं, इसमें तेल गरम करेंगे। ठीक है, तेल को अच्छा से गरम कर लेते हैं। देख रहे हैं तेल अच्छा से गरम हो रहा है, बस इसको ना थोड़ा गुनगुना से ज़्यादा गर्म करना है, उसके बाद फिर से ठंडा करना है। तो देख रहे हैं छोटा छोटा बबल आना स्टार्ट हो गया, यानी कि तेल अच्छा से गर्म, कच्चापन नहीं रहेगा तेल का। तो अब हमको गैस को बंद करके ठंडा करना है तेल को। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, जब ठंडा होता रहेगा। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 6 चम्मच पीसा हुआ सरसों, काला या पीला कोई सा भी ले सकते हैं आप, ज़्यादा मसाला की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। 1 चम्मच हम तीखा वाला मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। वैसे तो इसमें देगी मिर्च का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच हम मेथी दाना डाल रहे हैं इसमें, 1 छोटा चम्मच सौंफ भी डालेंगे, और 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच ये अजवाइन है, 4 से 6 छोटा चम्मच आप 4 से 5 चम्मच आप डालें इसमें नमक। ठीक है, छोटा चम्मच से या स्वाद अनुसार डालें आप। हाथों से अच्छा से मिला लेंगे। इतना मसाला हमारा 250 ग्राम करौंदा और 8-10 मिर्चा के लिए काफ़ी है, इसमें ज़्यादा मसाला की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा से मिलाने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास समय हो तो आप ऐसे भी करके एक दिन सुखा सकते हैं।
और नहीं समय है तो क्या करिए, इंस्टेंट आप बना लीजिए, इसमें जार में भर लीजिए। इस तरीके से आसानी से भर जाता है, ये सूखा है ना अभी, तो आसानी से इसमें मैं डाल लेती हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है ना अभी से ही, देख रहे हैं। ऐसे ही आपको भी बनाना है, छोटा सा डब्बा में हमारा आ गया ये अचार। सारा मसाले डाल लें। ये जो तेल है हमारा ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं अचार में, ठीक है। ये देखिए, ढक्कन से बंद कर लेते हैं। ये लीजिए, आपका करौंदा का अचार बनके तैयार हो गया है। अब इसको आप क्या करें कि धूप में 3 दिन के लिए सुखा दें, या नहीं भी सुखाएंगे तो अपने किचन स्लैब पे ही रखें। कभी कभी क्या करें कि इस तरीके से 2-3 दिन में इसको इस तरीके से थोड़ा हिला दें। तुम रेशम के डोर टोर तेरी चल पे आसी के मार मार। वाव लोकटा गाइस, देख रहे हैं कितना बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। तो बस इसको आपको किचन में रखना है अपना, आपका किचन का जायका बढ़ा देगा। तो इतना अचार कितना कम खर्चा में, 30 रुपया, और 30 रुपया का तेल भी धर लीजिए ना जी, और 20 रुपया का मसाला, एकदम प्योर अचार है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको करौंदा का अचार बनाने का तरीका? तो दोस्तों कैसा लगा करौंदा का अचार बताइएगा। बहुत ही जल्दी, मतलब ये है ना, बीज निकालने में आपका जितना समय लग जाए, बनने में बहुत ही आसान है, और आप अभी से खाना इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम इंस्टेंट अचार है, ठीक है। तो आप अपने किचन में रखें इस अचार को, बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ गाँव में तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली में मिलता है, आपके यहाँ मिलता है कि नहीं बताइएगा। और जो भी हमारे दोस्त रिक्वेस्ट किए थे कि अनिता जी बनाइए करौंदा का अचार, उनको बहुत पसंद आएगा। अगर आप खाली करौंदा का बना रहे हैं और चाहते हैं कि मिर्च अदरक ना डालें, तो इसका मतलब जो करौंदा का बैलेंस करने के लिए आप इसमें चीनी या गुड़, चीनी तो नहीं मैं सजेस्ट करूँगी, आप इसमें गुड़ को तेल में ही डाल दीजिएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा आपका अचार। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, जब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमारे किचन में भी जायका बढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आंवड़ा का अचार।